अरे यशबिया, इंग्लिश आती क्या यार तुमको? हाँ आती है, क्या हो गया? अरे यार, तो यशबिया एक बात होता है यार, जैसे अपने को किसी बात नहीं सुनाई दे तो उसको क्या बोलना रहता है यार, कि मतलब भाई तेरी बात नहीं सुनाई दी मेरे को, वापस से बोले इसमें क्या? यार बात सुनाई नहीं दे तो आई एम सॉरी, आई कैन नॉट हियर यू, कैन यू प्लीज़ रिपीट योर सेंटेंस? ये इतना सारा, ये तो इससे तो यार अपने हिंदी में बढ़िया यार, ए? भैया सैमसंग ने इंडिया में लॉन्च कर दिया है सैमसंग गैलेक्सी M30s, और जो रियलमी और शाओमी का जीवन चल रहा था ना, सीधा साधा सरल, उसके अंदर थोड़ा सा तनाव पैदा कर दिया है, क्योंकि यार जिस प्राइस पॉइंट पर जो स्पेसिफिकेशन के साथ सैमसंग आया है ना, मतलब किल कर दिया है मार्केट को। मिड रेंज का किलर स्मार्टफोन अगर इसको हम बोले तो कोई गलत नहीं होगा। बहुत सारी इंप्रेसिव चीजें इसके अंदर हमको देखने को मिलती है। जो पहला इसका इंप्रेसिव फीचर है वो है 6000 mAh का बड़ा बैटरा। जी हाँ, ये कोई बैटरी नहीं है यार, 6000 mAh एक बैटरा ही हो गया, मतलब डिस्चार्ज तो होने ही नहीं वाला है फोन, इतना इंप्रेसिव बैटरी इसके अंदर दी गई है। जो दूसरा इसका इंप्रेसिव फीचर है वो है इसका कैमरा। भाई साहब, इस फोन के अंदर कंपनी ने क्या काम किया है कैमरे के ऊपर, 48+8+5 megapixel के तीन कैमरा हमको दिए हैं यहाँ पर, जहाँ पर प्राइमरी कैमरा है 48 megapixel का, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है 8 megapixel का, और उसी के साथ में डेप्थ सेंसिंग के लिए दिया गया है 5 megapixel का कैमरा। अगर फोन को फ्रंट की तरफ से देखते हैं तो लड़कियों के लिए 16 megapixel का सेल्फी कैमरा इसके अंदर दिया गया है, और लड़कों के लिए भी 16 megapixel का कैमरा इसमें दिया गया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका थोबड़ा वैसे ही आना है जैसा 2 megapixel में आता है। तो यार कैमरे में बहुत इंप्रेसिव काम किया है सैमसंग ने। तीसरी बात करते हैं यार इसके डिस्प्ले के अंदर, 6.4 inches का फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले हमको इसमें देखने को मिलता है। तो यार काफी स्मार्टफोन काफी स्मार्ट है, काफी इंप्रेसिव फोन है। भाई प्रोसेसर की बात करें तो सैमसंग का एक्सिनोस 9611 प्रोसेसर हमको इसमें देखने को मिलता है। अगर सरल भाषा में बताऊं तो स्नैपड्रैगन 712 के आसपास का ये प्रोसेसर है। अगर आप एक गेमर हैं तो आप इस पे बहुत इजीली गेम खेल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको गेम बूस्टर टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाती है। हालांकि अगर आप पबजी खेलते हैं और हाईएस्ट सेटिंग पे खेलते हैं तो थोड़े बहुत लैग इधर उधर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन नॉर्मल सेटिंग पे आपको कोई लैग देखने को मिलेंगे, आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होने वाला है इसके अंदर। और यार जो एक्सिनोस 9611 जो प्रोसेसर है ना, वो 10 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस पर काम करता है और 2.3 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड पर काम करता है, तो प्रोसेसर के अंदर भी बहुत अच्छा सा काम इसमें सैमसंग ने कर दिया है। भाई दो वेरिएंट में फोन लॉन्च किया जा रहा है, 4GB+64GB और 6GB+128GB। जो 4GB और 64GB वाला फोन है ना, उसके लिए सैमसंग आपसे जुर्माना लेगा 13,999 रुपये का, और 6GB 128GB वाले के लिए आपको 16,999 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। भाई बहुत इंप्रेसिव फोन है, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन रहेगी कि यार आप इस फोन को जरूर से कंसिडर कर सकते हैं, 15,000 के अंदर अगर आपका बजट है तो भी, 20 के अंदर आपका बजट है तो भी। मैंने हाल ही में दो वीडियो रिलीज किए थे यार, जिसमें मैंने 15,000 और 20,000 वाले फोन बताए थे, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में मैं उनकी लिंक्स दे दूंगा। उसके अंदर इस फोन को मैं इंक्लूड नहीं कर पाया क्योंकि रिलीज नहीं हुआ था, लॉन्च नहीं हुआ था तब तक, लेकिन 15,000 के अंदर भी और 20,000 के अंदर भी दोनों लिस्ट में ये फोन शामिल करने लायक है यार। भाई जो कॉस्ट कटिंग करी गई है इसके बैक में, यहाँ पर हमको पॉलीकार्बोनेट का बैक देखने को मिलता है, हमको ग्लास बैक यहाँ पर नहीं दिया गया है। जो इस फोन के इक्वलेंट फोन से, जो इसके कॉम्पिटेटर फोन से, वहां पर हमको बहुत सारों में ग्लास बैक देखने को मिलता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी उसमें देखने को मिलती है। लेकिन यार सैमसंग ने हमको दूसरे इतने फीचर्स दिए हैं ना, कि अगर इसको ग्लास बैक करके थोड़ी सी कॉस्ट बचाई गई है, उसके बदले में अगर हमको एक अच्छा सा कैमरा दिया गया है, सुपर एमोलेड स्क्रीन दिया गया है, और साथ ही में इतनी बड़ी बैटरी दी गई है, तो ग्लास बैक को या पॉलीकार्बोनेट के बैक को हम कंसिडर कर सकते हैं। वैसे भी यार हम लोग उसमें कवर लगा के तो रखते ही हैं, तो उसमें इतना मैटर नहीं करता है कि ग्लास बैक दिया गया है कि पॉलीकार्बोनेट का बैक दिया गया है। दूसरी कॉस्ट कटिंग इसके अंदर करी गई है कि यार सुपर एमोलेड स्क्रीन होने के बाद में भी इसमें हमको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया है, रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर हमको इसमें दिया गया है, लेकिन उस चीज को भी हम कंसिडर कर सकते हैं यार। सिक्योरिटी पर्पज के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाता है, वो इन डिस्प्ले दिया जाए या बैक में दिया जाए कोई मायने नहीं रखता है, परफॉर्मेंस ज्यादा मायने रखती है, स्पेसिफिकेशन ज्यादा मायने रखते हैं, फीचर्स ज्यादा मायने रखते हैं, और जो प्राइस में ये सारे स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं वो ज्यादा मायने रखते हैं। भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं किया है तो बेल आइकॉन दबा लेना, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिलते रहे, और अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।